इस बार मैं दाना भी चेंज लाया हूँ, और साथ में ना मैंने ना डबों का यार मैंने गौर किया था कि ना जो डब है ना यार वो अकेला बाजरा खाती हैं यार, उनके लिए मैं ले आऊँ अकेला बाजरा। कबूतरों का यार मैं मिक्स दाना ही लेके आया हूँ, तो ऊपर जाने से पहले ना ये दाना हमारी मुर्गी को डालते हैं यार सुबह, क्योंकि इसको यार रोटी डाली थी और थोड़ा सा दाना डाला था, इसको पानी भी पिलाना है, अभी पानी वगैरह भी पिलाते हैं। मेरे पहले ऊपर भाग गया, थोड़ा काम करते हैं क्योंकि बाद में गिरा देगी वहाँ पर। यार अभी ना इसको मैंने ऐसे ही पानी पिला दिया, पानी इसने मेरे खास जितना पीना था बस पी लिया, अभी साइड पर करते हैं। और अंडे भी इसने बाहर निकाल दिए हैं, तो बस ठीक है इतना पानी। अब दाना खा ले, दाना खा रही थी ऐसे ये, वो खा रही है। जब ये दाना ये सारा खा लेगी फिर इसे और डाल देंगे हम। चलो यार इनको लेके ऊपर चलते हैं। यार बाजरे का भी कोई ना डिब्बा वगैरह लेते हैं जिसमें हम रख सकें, तो अभी ना यार मैंने अब तक भी सोच लिया है जो से तुम कल कबूतर लेके नहीं आए वो हमने दे देने हैं। ऊपर तो आओ, अभी ऊपर आके गौर किया माशाल्लाह यार एक बच्चा आ गया और वो भी स्टिक पर बैठा हुआ आते साथ ही, तो मैंने सुबह नहीं देखा था। इसके भी यार बच्चा के पार उतारे हुए, ये सारा मेल के जैसा है कंप्लीट। इंशाल्लाह बाकी भी बच्चे बाहर आ जाएंगे, ऊपर से देखते हैं। ऊपर तो नहीं आया कोई, नहीं ऊपर नहीं आया, ये एक बाहर ही देख रहा है। तो अभी ना ऐसा करते हैं या इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कौन सा यार दे देने हैं। या इसको पहले पीछे करो, मुझे इससे डर लग रहा है। हमें ना सिर्फ एक फीमेल चाहिए, ठीक यार। ये जो से मेरे ख्याल से ना ये जो से ब्लू वाली है ना ये भी फीमेल है और पीछे वाइट वाली भी फीमेल है, बताओ कौन सी रखनी है इन दोनों में से। कोई बना दो भाई। यार मैंने इसलिए देने हैं यार, वो देखो ना उन्होंने अंडे दिए हुए ना, उनके भी अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाने, ठीक है। इन्होंने भी यार मेरे ख्याल से एक अंडा दे दिया है, तो यार हमारे पास ये जगह कम हो जानी है। या फिर फैंसी कबूतर रख लो या फिर वो बोले कौन से रखने हैं। फैंसी रखना है, फिर देने ही पड़ेंगे ना, तो दे देते हैं आज वो भी दे देना जहाँ जो सा वो वाला पड़ा है, और इनमें से एक दे देते हैं फीमेल है मेरे ख्याल से, वो वाइट वाली जो से पीछे वाइट है ना क्लियर वाइट है वो भी दे देते हैं। ये जो इस साइड पर ब्लू कलर की है ना ये रख लेते हैं उस मेल के लिए, ये जो सा हमारा मेल ऊपर बैठा हुआ है। अभी यार ऐसा करना है कि मैं दे दूँगा, तो जो सा दूसरे बीमार वाला कबूतर है ना वो उसको भी दे देंगे, उसको कह देंगे कि इसको मेडिसिन दे देना ठीक हो जाएगा। अभी ना ये है ना फीमेल जा रही है अंदर, और बच्चों के ना पर उतार के ना मेरे सामने इसने अभी फेंक के नीचे, वो देखो उसके ना मुँह पर भी अभी लगा हुआ है एक पर। तो यार ऐसा करते हैं कि ना बच्चे यार निकाल के मैं कह रहा हूँ यार खुद भी बाहर रख देते हैं, ये ना हो ये ज़्यादा ही उन्हें ना कुछ उसके पर उतार दें, इससे पहले काम ख़राब हो हम खुद ही ना थोड़ा सा कर देते हैं सेट। अभी खोलते हैं और निकालते हैं बच्चों को बाहर रख देते हैं, ये बाहर पाल लेंगे यार। मुझे खुद ही हाथ यार उसका तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल किया हुआ है इसने, उसको निकालते हैं और यहाँ पर रखते हैं। यार बच्चे को माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसको भी निकालते हैं जो हाथ में माशाल्लाह, ये वाला सबसे प्यारा कलर है माशाल्लाह। यार बड़े हो गए हैं, अच्छा किया हमने निकाल लिया अभी, वरना यार इसने तो अंदर ना भला क्या करना था उसके पर और ज़्यादा निकाल देने से। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है यार, जो सा हमने कल कबूतर नहीं रखा था इधर, यार इनको दाना भी डालते हैं, फिर दाना भी ले जाते हैं यार अंदर, डब्बों का लेके जाते हैं, ये भी ले जाते हैं क्योंकि डब्बा यार अंदर ही पड़ा है, अंदर ही डाल देंगे। दाने को रखते हैं इधर, और आपको बैड न्यूज़ भी बता ही देता हूँ कि यार जो सा कल कबूतर नहीं आया यार वो मर गया, अभी बाहर निकालते हैं उसको भी। यार मैं सोच रहा था मटेरियल ने एक ही अंडा दिया है, अभी यार इसके नीचे भी देख लेते हैं शायद यार इन्होंने कहीं छुप के ना दे दिया हो, जो सा कहीं पर भी नहीं है। इन्होंने एक ही अंडा दिया यार, ये तो इन्हें चाहिए था एग्जाम में ही अंडा देते यार, एक वो वाला अंडा रखा हुआ है पता नहीं उसमें भी बच्चा बन रहा है नहीं, यहाँ पर पड़ा हुआ है बच्चों के साथ ही वो पड़ा हुआ है। तो अब कबूतर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यार, जो सा मर गया यार। ये जब कल कबीर लाया था ना तो मुझे कल ही बीमार लग रहा था, इसको मैंने ना कल सिरप भी दिया था, मैंने कहा शायद यार बुखार ना हो गया और इसलिए सुस्त बैठ रहा था, मगर यार इसे मेरे ख्याल से कोई वायरस ही था पहले ही तो मर गया है, पता नहीं यार इसको क्या था। और जो भी है अब इसको बाहर दफनाते हैं, कबीर ने तो देखा भी नहीं है वैसे ही नीचे गया चला है, अभी कबीर को भी दिखाते हैं और इसको यार दफना के आते हैं। यार ये वाला कबूतर भी वैसे प्यारा था, ये देखो ब्राउन पर थे इसके। यार इनको खोलने से पहले इनको खोलते हैं, ओए इन्होंने तो मेरे ऊपर ही छलांग मार दी थी अभी,
ये देखो यार इन्होंने भी दाना खाना है इसलिए ऐसे भाग रहे हैं। इनको भी दाना डालते हैं, उससे पहले इनको भी खोल लें कबूतरों को भी यार। और मुझे लगता है सरप्राइज आ गया एक और, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। इनको खोले पहले, यार दाना मैं लेने आया इधर देखो जरा इसके काम। यार इसको बेचारे को ना एक आधा ना इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर जाके मेरे ख्याल से ये सही होगा। इसको निकाल लें बाहर, ये भी बेचारा गिर जाता है, फिर सीधा नहीं हो जाता इससे। और यार इधर मैंने इनको इसलिए शिफ्ट किया, मैं कह रहा हूँ यार इनका पेड़ लग जाए आपस में, जब इनका पेड़ लग जाएगा फिर इनको ना वापस उसी केज में शिफ्ट करेंगे। यार दाना इनको डाल दिया, अभी मैं आपको सरप्राइज भी दिखा देता हूँ। इनके भी यार बच्चे नहीं आए अभी तक, तो इनका कब आएंगे अभी। यार माशाल्लाह इधर देखो ज़रा, यार माशराजी ने अंडा दे दिया थोड़ा सा। इधर नेक्स्ट मटीरियल कम है, वहाँ से उठा के ना यहाँ पर रखते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी रखी है, अब ये बाकी खुद ही ले जाएंगे। यार यहाँ पर नहीं मैंने रखी थी, ये वाला किसके काम है? ये रखे हैं हमारे वो जो से दूसरे शराजी के कबूतर नहीं है जिसके साथ वाइट फीमेल है उसने। ओए माशाल्लाह देखो, जो से नए कबूतर नहीं है वो भी दाना खा के वहाँ पर चले गए। यार इनको भी लगता है केज का पता चल गया, ये भी नहीं मेरे ख्याल से अब छोड़ के जाएंगे इधर। तो यार वैसे भी इन तीनों में से ना एक ने हमारे पास रहना है। अभी मैं देख रहा हूँ यार मेरे से फीमेल कौन से, ये दरमियान वाला तो कंफर्म मेल है ना, ये जो सा ब्राउन वाला है इसको नहीं रखना। ये जो सी वाइट वाली है और ये जो सी उसके पीछे वाइट कलर की है ना, उसको यार देखना है कि इन दोनों में से फीमेल कौन सी है। जो सी फीमेल होगी वो फिर रखेंगे इस कबूतर के लिए, बाकी हैं जो से ना उसे दे आएंगे। मेरे दोस्त को मैंने बता दिया उसे, तो उसको दे आएंगे ये, जिसे हमने पहले भी यार कबूतर दिए थे ना उसे। अभी इनमें से एक फीमेल रखेंगे। कबीर पता नहीं अपने किस दोस्त से ले आया ये जाके, ऊपर से ले भी चार आया था, एक बेचारा तो मार ले के आया था वो मर गया हमारे पास आते ही। यार ये कंफर्म मेल है, ये भी मस्तियाँ कर रहा था। और इस साइड पर जो सा ये वाला है ना, ये भी कंफर्म मेल है, ये भी मस्तियाँ कर रहा था अभी। यार एक फीमेल होनी चाहिए थी, हमारे पास मेल आया था फैंसी का, मगर चलो कोई बात नहीं, वो देखो अभी भी मस्तियाँ कर रहा था। यार अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ना यार मैंने ना इसके ना ऊपर से ना ढकना जो सा था ना इसका उतार दिए मैंने, कहा यार ताकि ना ज़्यादा ना बीच में ना हबस ना हो जाए। तो माशाल्लाह देखो काफ़ी बड़े बड़े हो गए, इन्होंने भी जल्दी बाहर आ जाना है, वो ऊपर ही देख रहा है। इसकी वजह से गर्मी नहीं होगी अंदर। दो येलो कलर के हैं, एक ब्लू कलर का है। अब वापस ये वाले इंटर रखते हैं। मैंने इनको बंद किया, फिर से बाहर आई जा रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से बंद करता हूँ। इनका थोड़े से पढ़ के आ गए हैं तो पकड़े नहीं जाते, अब इनको खोलते हैं यार, क्योंकि यार मैंने ना थोड़ी सी यहाँ पर रोटी रखी है ये पानी में, मैंने कहा था नरम हो जाए, तो अब ये खा लेंगे इधर। इनको यार लेके नीचे चलते हैं, इनको कर दिया अलग, इनको भी बंद करते हैं। या इनका मैंने अंदर ना गीला कर दिया था, या इनके ना केज में ना धूप पड़ती है ना जिसकी वजह से ना अंदर हबस काफ़ी हो जाती है, मैंने गीला कर दिया, मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा आ जाएगा तो अब आराम से रहेंगे। तो चूज़ों को लेके चलते हैं नीचे, तो मैंने इधर रख दिया, थोड़ा सा इसको सेट वेट करते हैं बाहर ना आ जाए। अब यार इसका ना हम ना कल या फिर मैं कह रहा हूँ परसों करेंगे यार, क्योंकि फिर 5-6 दिन हो जाएंगे इसे, तब इसकी कैंडलिंग करेंगे, देखेंगे कितने अंडों में से बच्चे बन रहे हैं, और जो से नहीं ना बन रहे होंगे फिर उनको हम उठा के ना अलग कर देंगे। मैंने ये ना हो के जो इन पर अंडे में से बच्चे बन रहे हैं ये साइड पर कर दे वो भी ख़राब हो जाएँ।